गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दो। सरकार के किसान वापसी चला जाएगा, किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान आज ये एक जानकारी हमको कल से ही मिल रही कि पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि आप ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दोगे। ये तो गंभीर आरोप भी किसान का है, किसानों के प्रति। मतलब सरकार क्या सरकार चाह रही है? मतलब डीजल ना देख के ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता? ये गलत है भी सरकार ना पा रही, ना ऐसे किसान रुकेगा। और जो किसानों को डीजल नहीं दे रहा कोई भी पंप, अब उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये लगता है कि वो भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है। बहुत इशू वहां पे भी हमारे हैं। वहीं किसान अपना सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर अपने ट्रैक्टर लगो और बैठ जाओ। ये लड़ाई मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसानों की। अब पता चलेगा ना उनको, सब किसानों को, जिस सरकार को वोट दिया है, जिन सरकारों को, जिनकी सरकार बनी है, उनको ज्यादा मजबूत किसे वो कर दिया, उनको वही सींग मार दी। किसान अपना वहीं बैठ जाए और घरों से निकले भाई। अब वो नहीं रहा टाइम, अब तो निकल दो, लड़ाई जंग छिड़गी पूरी। अब अपने घरों से निकलो। अब आप देख लिया होगा कि आने वाले टाइम पे भी जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो आपका नहीं चलेगा। यहां से किसान अगर हार कर गया तो ये दिमाग में से अपने काट दो कि जो अपने घर पर ट्रैक्टर है, जो इंजन है, जो जनरेटर है, जो पंपिंग सेट है 10 साल पुराने, वे चल जाएंगे क्या? जब पत्ती जलाने पे कानून आ सकता है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी ने बंद कर दिया है, वो ट्रैक्टर नहीं चलेगा आपका। क्या हालात किसान की होगी? क्या आपका ट्रैक्टर खरीदने का मौत है? तो अब निकलो, गन्ना एक आध दिन आगे पीछे चल जाएगा। आप निकले आप सड़कों की तरफ और बढ़ो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं 26 तारीख में चले जाऊंगा, आपको डीजल मिलेगा नहीं, रही हो आप सड़क पे खड़े। और जो किसान यहाँ पे नहीं आ सकता, जो किसान दिल्ली नहीं आ सकता, उसकी परेड 26 तारीख में गांव में निकलेगी, जिले में निकलेगी। आप अपने जिलों में निकाल लो, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ में सब लोग चले अपना। और हम भी जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर, किसी पर जाएंगे वो लेकर ट्रैक्टर, वहां देखते हैं कि वहां किस तरह का माहौल और क्या वे चीजें बताते हैं। तो आप अपने गौर सदी को, ये गंभीर आरोप सरकारों की तरफ हमारा है कि इस तरह की हरकत मत करें। गन्ने का भुगतान आप दे नहीं रहे, उस पर रेट आप डाल नहीं रहे, किसान दिल्ली में आ रहा उसको यहां आने नहीं दे रहे, आप उसको रोक रहे हो। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बात कर रहा है, वहां पे आप डीजल नहीं आप दे रहे, तो सरकार चाहती क्या है? देखो जो किसान यहाँ पे आ गया वो सब अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आ गया। ये गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दो। सरकार के किसान वापसी चला जाएगा, किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान पूरी नफरत के साथ में इस आंदोलन को आपके खिलाफ